हेलो गाइस, मैं हूं अरुण और आज के इस वीडियो में हम लोग गेम डेवलपमेंट शुरू करने वाले हैं। तो फिर यहां पे हम लोग जिसकी बात करेंगे वो मॉड्यूल है पाई गेम। पाइथन में हम लोग पाई गेम की मदद से हम लोग गेम्स बनाते हैं। पाई गेम से बहुत कुछ किया जा सकता है। आप अट्रैक्टिव ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI बना सकते हैं और इसके साथ ही कई सारी चीज़ें हैं पाई गेम के साथ जो आप इंजॉय कर सकते हैं पाई गेम के साथ। और पाई गेम बहुत ही फन मॉड्यूल है। मैं आपको दिखाता हूँ स्नैक गेम मेरा जो मैंने बनाया है और शायद से आपको भी पसंद आएगा क्योंकि मैंने जो बनाया है इसमें यार थोड़ा सा मैं वॉल्यूम मैं नीचे कर दूंगा ताकि स्ट्राइक स्ट्राइक आने का खतरा ना हो जाए। तो फिर मैंने पूरा वॉल्यूम गिरा दिया है और यहाँ पे मेरा अरुण स्नेक्स नाम का गेम मैंने बनाया है और ये देखिए यहाँ पे ये है और मैं तो असिस्ट में हूँ, असिस्ट में नहीं, ये रहा अरुण स्नेक्स और मैंने गेम शुरू कर दिया है और ये गेम चल रहा है थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा ही देते हैं क्या होता है। तो फिर देखते हैं। तो फिर देखिए प्रेस स्पेस टू प्ले। देखिए ओवरऑल जो मैंने गेम बनाया है यही गेम बनाया है और इसके साथ मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। तो फिर अभी क्या करना है कि अगर आपको ये गेम बनाना है तो चलिए गेम बनाएंगे, हम लोग गेम ही तो बनाते रहते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे और आपको करना क्या है कि अब देखिए कई लोगों का पिप इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड आता है। तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे कई पाइथन एरर्स मिलते हैं। तो फिर पाइथन एरर पे इंडिविजुअल वीडियो आपको मिलेगी और यहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल पाई TTS एंड्रॉयड और यहाँ पर हाउ टू इंस्टॉल पाई TTS पार्ट 2 ये वीडियो देख लीजिए, बहुत ही काम की है क्योंकि आप समझ जाएंगे। मैं कोई सब्सक्राइबर्स अब नहीं मांगूंगा। तो फिर यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए मैं सिर्फ वो वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे हम लोग जो है इसको कॉपी कर लेते हैं। और इसके साथ हम लोग को करना क्या है, करना ये है कि अब कई लोगों का पिप तो माना ही नहीं जा रहा। तो फिर करना क्या है कि आपको अपने सी ड्राइव में जाना है, यूज़र्स में जाना है। यूज़र्स का है मेरा यूज़र्स, देन आपका जो भी एडमिन है, आई मीन किसी का कुछ भी होता है, डेल का डेल होता है एडमिन। तो फिर यहाँ पे जाएंगे और सबसे ऊपर ऑप्शन होता है ऐप डेटा में जाएंगे और यहाँ पे लोकल, यहाँ पे प्रोग्राम्स आप ढूंढिए प्रोग्राम्स और इसके साथ ही पाइथन, Python 36, मेरा Python 36 दो इंस्टॉल है तो फिर मैं 36 यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट्स मिल जाएगी, स्क्रिप्ट्स में जाएंगे। मैंने तो बहुत मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए हैं इसलिए आपको इतना सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे आपको pip3 36 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग कमांड विंडो को यहाँ ओपन करेंगे शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करके और यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे pip यहाँ पे कमांड माना जाएगा क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटेबल बन जाता था। और मैं यहाँ पे पाई गेम इंस्टॉल करने चला हूँ और मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो फिर बात ख़त्म है इंस्टॉलेशन की। तो फिर ये बहुत ही ईजी है। तो फिर ये देखिए ये हो गया। अब जहाँ तक बात आती है पाई गेम विंडो की, तो फिर पाई गेम गेम डेवलपमेंट सीखने के लिए पहले हम लोग पाई गेम विंडो बनाएंगे। तो फिर इस वीडियो में तो मैं गेम बनाना नहीं सिखा सकता, हम इंडिविजुअली सीखेंगे। तो फिर यहाँ पे जो है हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो फिर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बताएगा, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसके साथ ही अगर मैं लिखूँ पाइथन तो फिर मैं पाइथन चलने लगेगा, इम्पोर्ट पाई गेम, ये देखिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट अंडरस्कोर मोड। मुझे मुझे जिसकी विंडो चाहिए वो 6720:480 है। ये देखिए मुझे विंडो मिल गई और यहाँ पे देखिए लिखा है सरफेस, सरफेस का लिखा है और यहाँ पे मूव नहीं कर सकते। इस कारण भी सिंपल है कि यहाँ पे स्क्रिप्ट ख़त्म हो जाती है। तो फिर यहाँ पे मूव नहीं कर सकते, मैं बताऊँगा इसको मूव कैसे करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो समझ रहे हो क्या करना है। वैसे भी मैं आपको कुछ कहना कहूँगा नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर उम्मीद है मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया।